हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम समीन खान जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था, फ्रेंड्स मुझे पक्के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये वीडियो रिक्वेस्ट पसंद नहीं आएगी, लेकिन गेम बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे मिखाइल बॉटनिक और मिखाइल टाल के बीच में हुई किसी एक ऐसी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था जहाँ मिखाइल टाल हारे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम बॉटनिक टाल वर्ल्ड चैंपियनशिप 1960 में जो हुआ था उसके 8th राउंड किया। तो चलिए शुरू करते हैं। D4 के साथ यहाँ मिखाइल बॉटविनिक ने शुरू किया, Nf6 यहाँ पहले मिखाइल टाल ने, देन हुआ C4, तो E6, Nf3, देन C5, D5, Etxd5, Ctxd5, देन G6, Nc3, तो बिशप G7, बिशप G5, और इसके बाद यहाँ कैसल किया मिखाइल टाल ने, देन हुआ E3, रुक E8, देन नाइट D2 स्क्वायर पर D6, तो बिशप गया E2 स्क्वायर पर A6, देन A4, ताकि यहाँ ये बी पॉन और आगे पुश ना हो। ओके, नाइट B गोज टू D7, और इसके बाद यहाँ मिखाइल बॉटविनिक ने कैसल किया, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन C2, तो नाइट गया B6 स्क्वायर पर। यहाँ इस D5 पॉन पर प्रेशर है, तो बिशप F3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया C4, देन बिशप टेक्स F6, देन A5 नाइट पर अटैक बना, तो ये नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन यहाँ नाइट आया E4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया E5 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स C4, एक पॉन का लॉस। क्या यहाँ ब्लैक को उठाना पड़ेगा? क्वीन D8, ओके, क्वीन गई A2 स्क्वायर पर, देन हुआ F5 नाइट पर अटैक, नाइट गया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, नाइट C4, और नाइट के C4 स्क्वायर पर आने के बाद माइट भी कुछ इस तरह का अटैक नजर आता है, लेकिन G4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। और अगर यहाँ मेटल एक्सचेंज फिलहाल E5 स्क्वायर पर करने की कोशिश की जाती है, तो व्हाइट को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। बिशप E2, लेकिन यहाँ पहले मिखाइल बॉटमैन ने किया, क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, और यहाँ प्रेशर बनता है C3 स्क्वायर पर, तो नाइट A4 यहाँ पहले ब्लैक व्हाइट ने किया था, किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ G3, तो H5 F4, और क्या यहाँ मिखाइल टाल को एम्फेसेंट करना चाहिए था? माइट भी एक ऑप्शन थी। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती तो रुक टेक्स F3 होता है, और उसके बाद कुछ इस तरह के डेंजरस गेम प्ले खेले जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एम्फेसेंट एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन बिशप D4 को यहाँ पहले मिखाइल टाल ने ऑप्ट किया। और उन्होंने यहाँ ऐसा क्यों किया है? क्योंकि लाइट स्क्वायर बिशप यहाँ पर व्हाइट का अनडिफेंडेड है, तो क्वीन A3 यहाँ पहले इस पॉन का डिफेंस मिखाइल बॉटविनिक ने किया, तो रुक गया D8 स्क्वायर पर। तो क्या यहाँ Etxd4 नहीं हो सकता? हो तो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम गेम आगे बढ़ाते हैं तो क्वीन टेक्स D4 विद चेक होगा, और इस चेक के साथ साथ यहाँ इस बिशप को भी खतरा आता है। रुक F2 मान लेते हैं अगर व्हाइट करता भी है, देन रुक टेक्स C2, और यहाँ इस F2 स्क्वायर पर काफी अच्छा गेम प्ले मिलता है। लेकिन व्हाइट यहाँ क्वीन को C3 स्क्वायर पर ले जाकर पहले ही इस क्वीन को यहाँ पिन कर चुका होगा। खैर, आइए वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था नाइट ए गोज टू P6, देन हुआ H4, रुक एट ए गोज टू D1, देन बिशप टेक्स D6, ए टेक्स D6, B6 सॉरी, देन नाइट गया C5 स्क्वायर पर। नाइट गया C5 स्क्वायर पर रहने के बाद एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट मिलती है ब्लैक के नाइट को, Gxh4, बिशप D7, और बिशप के D7 स्क्वायर पर आने के बाद ये लाइट स्क्वायर बिशप कहाँ जाने वाला है, कम से कम ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वीन C3 यहाँ पहले क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया मिखाइल बॉटनिक ने, जिसे एक्सेप्ट करना ही होगा। क्वीन टेक्स C3, बी टेक्स C3, देन हुआ बिशप B5, और यहाँ इस नाइट को मैं कह सकता हूँ कि पिन किया है, तो मिखाइल बॉटनिक को यहाँ करना ही पड़ा रुक ही। मिखाइल टाल एक अच्छा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है मिखाइल टाल ने इस गेम में। नाइट E4, और नाइट के E4 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ एक बहुत स्ट्रांग एडवांटेज मिलता है इस पॉन के साथ, C3 पॉन के साथ, तो रुक C1 यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा। देन हुआ रुक एट B गोज टू C8, और यहाँ प्रेशर बनता है इस C5 नाइट पर, तो अब क्या किया जाए? नाइट गया A5 स्क्वायर पर अटैकिंग दिस B7 पॉन, तो बिशप टेक्स E2, बिशप एक्सचेंज हुए, रुक टेक्स E2 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स C3, और अगर कम से कम यह कह सकता हूं कि रुक वापस E1 स्क्वायर पर जाता है, तो एक नाइट की बहुत अच्छी फॉक आती है। तो कम से कम यहाँ पर व्हाइट ने जो कुछ भी किया वो सही किया, रुक टेक्स C3 करना ही पड़ेगा, फोर्स्ड है। रुक टेक्स C3 होने के बाद प्रेशर बनता है यहाँ इस E3 पॉन पर, लेकिन नाइट टेक्स B7 एक्सचेंज अप है यहाँ इस समय मिखाइल टाल। देन व्हाट अबाउट दिस रुक D3?
That was an option. और अगर मैं यहाँ से इस गेम को व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाता भी हूँ तो नाइट टेक्स डी सिक्स होगा, रुक पर अटैक बनेगा, रुक कहाँ जाएगा, बी एट स्क्वायर पर रुक को अगर प्लेस कर भी दे तो नाइट टेक्स एफ फाइव देन रुक टेक्स डी फाइव, और यहाँ ये दो पॉन्स जो एक्स्ट्रा एडवांटेज था व्हाइट के पास उनका एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन दो कनेक्टेड पॉन्स ये आगे जाकर ब्लैक की लाइफ को इजी नहीं रहने देने वाले। गेम में यहाँ हुआ था रुक टेक्स ई थ्री, और फ्रेंड्स आई थिंक मिखाइल टाल शायद कुछ चीजों का अंडर एस्टिमेट कर गए। रुक टेक्स ई थ्री, रुक टेक्स ई थ्री, देन हुआ नाइट टेक्स डी सिक्स, और प्रॉब्लम है यहाँ इस पॉन के साथ जो दो कदम दूर है क्विन प्रमोशन से, और प्रॉब्लम ब्लैक के इस किंग की पोजीशन के साथ भी है, क्योंकि कुछ चेक्स के बाद फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम खेली जा सकती है, और लगभग ऐसा ही कुछ हुआ भी था। रुक गया डी थ्री स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, मेरे ख्याल से यहाँ ये रुक बी थ्री स्क्वायर पर जाना चाहिए। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट सी फोर जैसा कोई मूव व्हाइट को खेलना ही पड़ता, लेकिन फिर भी वह ब्लैक के ऊपर काफी प्रेशर होता जब ये पॉन आगे पुश होना शुरू हो चुका होता है। खैर फ्रेंड्स गेम में हुआ हुआ था रुक डी थ्री, तो रुक डी थ्री से ही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मिखाइल बर्टनिक का लास्ट मूव था नाइट एफ सेवन चेक, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो पहले चेक बचनी होगी, किंग अगर जी सेवन स्क्वायर पर जाएगा भी देन बी सेवन बी पॉन को आगे पुश करना है, और इस पॉन को रोकने के लिए अब ब्लैक को अपने रुक को बी थ्री स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा। उसके बाद पहले तो नाइट मूव हो जाएगा, और अब ये किंग कहाँ जाएगा, किंग इतने आराम से कहीं जाता भी तो नहीं है, दो स्क्वायर तो पहले ही नाइट ने कवर किए हुए, फिर किस तरह कुछ इस तरह से मूव करेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे ख्याल से पॉन प्रमोशन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। खैर फ्रेंड्स जो भी था गेम बहुत अच्छी थी, जो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।